एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ऑफिस मैनेजमेंट की वीडियोस मिलती जाएं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, या ऑनलाइन आपने काम करना है, तो आपको लेटेस्ट इसमें कोर्सेज और वीडियोस मिलती जाएं रेगुलर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। देखेंगे आज का हमारा जो फॉर्मूला है वो काउंट इफ का फॉर्मूला है। देखें, काउंट इफ फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा डाटा बना के रखा हुआ है। काउंट इफ का मतलब है काउंट करें अगर, मींस अगर आपने कोई ऐसा मेन डाटा जिसमें से आपने देखना हो, जैसे ये एक मेरी एम्प्लॉय लिस्ट है, मैंने ये देखना है कि मेरे पास 30 जो 38 से ऊपर कितने लोग हैं वो काउंट होके आ जाएं। मैंने अपनी सेल देखनी है, 1500 से ज्यादा किसने की है 2019 से, 2000 से ज्यादा, ये एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मेन मेरा मकसद ये है कि आपको काउंट इफ फॉर्मूला आए, बहुत काम की ये चीज है। देखिए, इक्वल काउंट इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। देखें सबसे पहले वो कह रहे रेंज, तो रेंज में हम ये चीज रेंज में लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। आपको पता है एक्सेल में एज इट इज जिस चीज को हमने फोकस करना होता है फॉर्मूले में, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो इसमें जी हम इसको, मैं टारगेट दे दूंगा ग्रेटर देन 30 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट ओपन। क्लोज करनी है तो कर दें, अदरवाइज जब इंटर करेंगे वो खुद ही क्लोज हो जाएगी। इंटर करूंगा तो देखें 5 जो इंप्लॉयज हैं वो 30 से ऊपर हैं, जैसे 45 हो गया, उसके बाद जी 55, 81, 46, 54, मीन्स 5 इंप्लॉयज। ऐसे ही आप आगे मुझे डिपार्टमेंट्स चेक करने हैं। मैं काउंट इफ, अब देखें जैसे ही मैं इधर काउंट मैंने थोड़ा सा लिखा, ये नीचे फॉर्मूला आ गया काउंट इफ। इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट्स भी ऑटो ही ओपन हो जाती हैं, आपको ओपन करने की भी जरूरत नहीं। आप अब इसको हम रेंज में लेंगे, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखें इसमें तो ग्रेटर देन वगैरह नहीं हमने लिखना है, अल्फाबेट है, हमने जस्ट इसमें आपने गारमेंट लिख देना है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर कर दें। देखिए 4 है हमारे पास गारमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स। उसके बाद मैंने सेल देखनी है कि कितने एम्प्लॉयज ने 1500 से ऊपर सेल की है, या 1200, या जितने भी। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सबको रेंज में लेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन किसके जी 15, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए एक एम्प्लॉय है जिसने सिर्फ 2000 की सेल की है, बाकी सब 1500 से कम है या 1500 गए। अब सेम ऐसा ही 2020 में कितनी सेल की है, इक्वल काउंट इफ। अब इसको मैं रेंज में ले लूंगा, मीन्स आप अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपका। अब इन्वर्टेड कॉमा जी मैं कर देता हूं 2000 से ग्रेटर देन जी 2000, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर कर दूंगा। 5 जो एम्प्लॉयज हैं वो 2000 से ऊपर गए हैं। ऐसे ही आप आगे आगे चेक कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला बड़ा काम का है, इसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये सारी आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।